साल 2018 अपने आप में खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देश एक नया इतिहास रचेगा। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 आसियान देशों के नेता बतौर चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में हिस्सा लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इस साल गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में 10 आसियान देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया है। भारत की विदेश नीति और एशियाई देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिहाज से यह प्रमुख कदम है। तो आइए जानते हैं कि कौन से नेता बनेंगे 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद से मलेशिया के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन तुल्म अब्दुल रजक 2017 में भारत का दौरा कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और आर्थिक संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। तो वहीं सूची ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की है। भारत में कई वर्षों के प्रवास के साथ ही वह कई बार भारत भी आ चुकी हैं। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार दौरे पर रखाइन प्रदेशों की खुशहाली के लिए विशेष प्रयास करने का वायदा भी किया था। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसलिन लुंग के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत तौर पर अच्छे संबंध हैं। ली साउथ चाइना सी में भारत की दमदार भूमिका की वकालत कई बार कर चुके हैं। आसियान देशों और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बड़े समर्थकों में से एक है सिंगापुर। जबकि इंडोनेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री जोको विडोडो की पीएम नरेंद्र मोदी से काफी व्यक्तिगत राजनीतिक समानता भी है। जोकोवी के नाम से मशहूर या इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री देश के पहले पीएम हैं जो किसी प्रभावशाली सैन्य अथवा राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखते। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया आज सबसे प्रमुख देश है। भारत के साथ इंडोनेशिया के व्यावसायिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आसियान में सत्ता संतुलन के लिहाज से भारत और इंडोनेशिया एक तरफ हैं, जो वी को इस साल पहले भी भारत का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कंबोडिया के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं। कंबोडिया को चीन के भरोसेमंद मित्र राष्ट्रों में से एक समझा जाता है। हुन सेन 1985 से ही देश की कमान संभाल रहे हैं और ये भी गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेकर गौरव बढ़ाएंगे। जबकि ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसन बेल्कियाह की गिनती दुनिया के सबसे रईस लोगों में होती है। सुल्तान के राजनीतिक कौशल का लोहा पूरा विश्व मानता है, क्योंकि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश को एकीकृत रखा था। वहीं नुआन जुंग फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार भारत आ रहे हैं। सिंगापुर के साथ वियतनाम आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है। चीन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में वियतनाम भारत का प्रमुख सहयोगी बनकर सामने आया है। साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी वियतनाम का दौरा कर चुके हैं। भारत आने वाले लाओस के प्रधानमंत्री थोंग लाउन सिसो उलित की 2017 में पीएम मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। एशियाई राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिहाज से भारत और लाओस संबंधों की एक अलग मिसाल कायम कर सकते हैं। तो वहीं काफी समय से थाईलैंड और भारत दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति पर काम करते आ रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड भारत की सक्रिय भूमिका की बात कई बार कर चुका है। आतंक के खिलाफ भारत की साझा लड़ाई में थाईलैंड ने भारत का ही पक्ष लिया है।